नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ नारायण कुमार। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। पावापुरी नालंदा से एक बड़ी खबर आ रही है। भगवान महावीर की निर्वाण स्थली भूमि नालंदा में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित 26 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए 2 दिवसीय महावीर के 2545वें निर्वाण पावापुरी महोत्सव में विश्व विख्यात सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र अपनी कला का अद्भुत नमूना पेश कर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार व श्रवण कुमार को अभिभूत कर दिया। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने महोत्सव पंडाल में बने मुख्य सांस्कृतिक मंच के सामने रखे बालू पर भगवान महावीर का विशाल आकृति उकेर कर अपनी बेहतरीन कला से जल जीवन और हरियाली पर आधारित कलाकृति के जरिए लोगों से ग्रीन एंड क्लीन दीपावली मनाने का संदेश दिया है। यह मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र द्वारा बालू पर उकेरी गई कलाकृति विश्व धरोहर में प्रसिद्ध नालंदा के पावापुरी में स्थित भगवान महावीर पर आधारित है। यह कलाकृति लोगों को हरियाली का संदेश दे रही है, जिन्हें देश विदेश तथा कई प्रदेशों से आए हुए जैन सैलानियों ने अपने कैमरे व सेलफोन में अपनी सेल्फी लेने में मग्न है। एमएम न्यूज टीम नालंदा। हम अपनी रेत कलाकृति के जरिए आज बिहार के नालंदा में स्थित पावापुरी महोत्सव, जो प्रत्येक साल दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है, पूरे देश को हरियाली का संदेश दिए हैं, जिसे जल बचाओ हरियाली लाओ। इस तरह से पावापुरी महोत्सव में हम सैंड आर्ट के जरिए पूरे देशवासियों को दीपावली के अवसर पर ग्रीन दीपावली पर आधारित कलाकृति बनाकर सभी को शुभकामना दी।